नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, चाहे चंडीगढ़ के लिए हो चाहे डीटर पीएसबी के लिए हो। तो अभी तक मैंने काफ़ी सारी बुक्स जो है देखी है, तो मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बुक नहीं लगी है कि आप उसको रेफ़र करें और उसको पढ़ें, क्योंकि सभी ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग दे रखा है। लेकिन आप क्योंकि कुछ बुक्स तो इतनी ज़्यादा महंगी उन्होंने कर रखी है कि अगर आप इतने पैसे वेस्ट करके भी आपको कुछ उसमें नहीं मिलने वाला है, इससे अच्छा है कि आपने जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, सोल्यूशन भी आपको दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको ऑथेंटिक मटेरियल मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप सेल्फ प्रिपेयर करें। और साथ ही साथ आपको वीडियोज़ जो मिल ही रहे हैं इस चैनल पर, तो मैं एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी, जो दिल्ली की जो वैकेंसी है एनटीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको सभी को पता होगा कि दोनों का पैटर्न सेम है, पीआरटी का और एनटीटी का। तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि पीआरटी की काफ़ी सारी बुक अवेलेबल है, तो इसमें आप पीआरटी की जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो है मतलब 2018 तक के काफ़ी सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको प्रेफर करें। क्योंकि आपकी जो 100 नंबर का जो चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आने वाला है, हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा लेवल उसका ज़्यादा होता है, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि उसका कुछ अलग पूछा जाएगा, वो भी आपकी तरह ही होगा। लेकिन आपका जो नर्सरी में जो है वो थोड़ा ज़्यादा छोटे बच्चों के बारे में पूछा जाता है जो कि नर्सरी लेवल पे होते हैं, तो वो जो और कंटेंट है वो तो आपको चैनल पे मिल ही जाएगा साथ ही साथ। लेकिन अगर साथ ही साथ आप खुद भी अपने साथ तैयारी करना चाहते हैं कि आप साथ में प्रैक्टिस सेट भी कम से कम एक दो सॉल्व करना चाहते हैं घर पर, तो आप उसके लिए जो है पीआरटी के जो किरण की पब्लिकेशन की जो बुक्स है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, तो मैं उसको लिंक जो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ अभी आज जो है 1 अक्टूबर जो है, तो उसमें आपको 12 बजे तक, हालांकि मैं लेट वीडियो बना पा रही हूँ, तो आप अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे तो आपको जो है फ्री डिलीवरी मिलेगी, और आप वहाँ से जो आपको दोनों बुक्स मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम को, जो भी आपको सुटेबल लगती है तो आप वो मंगवा लीजिए, ताकि आपको जो है प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि पहले के पेपर का जरूरी नहीं है कि आप 2018 का पेपर सॉल्व करें, आप पहले के 2017 के इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको लेवल का पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो आप बिल्कुल मत समझिए कि नर्सरी लेवल के होते हैं, वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो है आप पीजीटी तक के समझ कर चलिए, तो आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मैं आपको दोनों के लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आपको जिस तरीके से प्राइस लगती है कि क्या ज़्यादा है कम है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास में अगर कोई शॉप है वहाँ पर मिलती है तो वहाँ से आप ले लीजिए। तो आपके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी मीडियम का ऑर्डर कर लीजिए, और इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के, तो आपको अमेजोन का जो दोनों लिंक है वो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस सेट लगाई है, और इसके अलावा क्योंकि पीआरटी का है तो उसमें पीआरटी में आप सभी को पता है कि कम से कम मानकर चल सकते हैं कि 6 साल से बच्चे के ऊपर का पूछा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कई बार पीजीटी में भी बहुत छोटे बच्चे के बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो बात आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो उसमें काफ़ी सारा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, काफ़ी सारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पियाजे अगर आपके एनटीटी में पूछा जाएगा वही पियाजे पीआरटी में भी बाद में भी आगे भी पूछा जाता है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। तो आप एनटीटी की एकदम गलत बुक्स और जो सही कंटेंट उनमें नहीं मिल रहा है तो उनको प्रेफर ना करके अगर आप कुछ अच्छी क्वालिटी का, हालांकि थोड़ा सा आपके स्टैंडर्ड से हाई है, तो उनको प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी तो आपकी यही सलाह है, अब बाकी आप जो चूज़ करें, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी ऐसी बुक नहीं मिली है कि अब मैं आपको रेफ़र कर सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ गलत रेफ़र करके फिर आपको लगे कि नहीं ये कंटेंट इसमें सही नहीं है। तो मेरी तरफ से अभी तक मुझे कोई भी बुक नहीं मिली है, मैंने काफ़ी जो बुक्स हैं उनके रिव्यू लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो आप पीआरटी के जो है, हालांकि और बुक्स में नहीं है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, प्रैक्टिस सेट भी वही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि जो पीआरटी के जो बोर्ड है जहाँ से आपका पेपर बनने वाला है वही एनटीटी का भी बोर्ड है, तो आप वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए। आज 12 बजे तक, मतलब दोपहर के 12 बजे तक जो है फ्री डिलीवरी है, तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। हालांकि अगर आज आप नहीं भी मंगवाते हैं तो बाद में अगर कोई आप 500 से ऊपर अगर कोई मंगवाएंगे तो आपको फ्री डिलीवरी वैसे मिल जाएगी, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप फिर आप जो है बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। तो क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेरीज मेरे पास आ गई थी, क्योंकि आपको कोई बुक बतानी है, तो मैंने इसलिए इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, itisneha30@gmail.com। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल जाए।